औस्ता मोहम्मद से कुर्बान अली के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम औस्ता मोहम्मद के डिप्टी डायरेक्टर इलियास खान रिंद के हमरा अब्दुल गफ्फार एरी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी जिम्मेदारी है मुस्तहिक खवातीन की किस्त बासानी उन तक पहुँचाई जाए। इस सिलसिले में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन के अहकाम की रोशनी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त को मुस्तहिक खवातीन को रकम अदा करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल औस्ता मोहम्मद के ग्राउंड में सेंटर कायम किया है ताकि रिटेलर मुस्तहिक खवातीन को किस्त आसानी से दे सकें और पेमेंट में किसी किस्म की कटौती नहीं होगी। खवातीन अपनी पूरी रकम वसूल करें, आज पहला दिन है, इंशाल्लाह उनकी बेहतरी के लिए मजीद इक़दामात करेंगे। रिटेलर्स की कमी है लेकिन उसकी शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए मजीद रिटेलर की तादाद में इजाफा करेंगे। आवाम परेशान ना हो, इंशाल्लाह बर वक्त मुस्तहिक खवातीन को किस्त फराहम करने के लिए इकदाम कर रही हैं। रिटेलर के पुरानी डिवाइस बंद हो चुकी हैं, पुराने रिटेलर से मिल बैठ कर किस्त की फराहमी और उनकी शफाफियत के हवाले से बातचीत जारी है। जल्द ही रिटेलर्स की तादाद में इजाफा होगा। इस मौके पर रिटेलर्स यूनियन औस्ता मोहम्मद के सदर अब्दुल गफ्फार एरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे और BISP के दरमियान जो मामलात थे वो मुज़ाकरात के साथ काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं। मजीद उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आगे भी रिटेलर्स के जो जायज़ काम होंगे हम बर वक्त उनको रिलीफ देंगे।